एवरीवन, सो गाइज अभी हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है प्रिंटिंग इंडस्ट्री का, जो कार्टन बॉक्सेस बनाते हैं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी, जो प्रीवियस मॉड्यूल है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली ये है जॉब ऑर्डर क्रिएशन के रेफरेंस में, कि सपोज किसी एक क्लाइंट का ऑर्डर आया हुआ है, एक ऑर्डर में मल्टीपल आर्टिकल्स हो सकते हैं, बट जब प्रिंटिंग होती है या फर्दर वर्किंग हम उस पर करते हैं तो आर्टिकल वाइज करते हैं। सो डेटाबेस हमने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, एज यू कैन फाइंड इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ अभी हम बात करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि कोई भी ऑर्डर जो हमारे पास अवेलेबल है वो ड्रॉप डाउन में हमारे को यहाँ पे दिखेगा, तो आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके कोई भी ऑर्डर देख सकते हैं। सिमिलरली हम बात करें, अगर आप ऑर्डर टाइप करना चाहें तो ऑर्डर टाइप भी कर सकते हैं। तो अभी ये केस में अगर मैं ऑर्डर टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे 1145, मैं 56 ऑर्डर एक ले लेते हैं, 1146, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर है, राइट। अब इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है बेसिकली ये ऑर्डर, तो मैं रिकॉल डेटा पे क्लिक करूँगा तो इस जॉब ऑर्डर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑटोमेटिकली फैच होकर हमारे इस इंटरफेस पे आ जाएगी। तो आप देख पाएंगे बेसिकली कि ये क्या आर्टिकल है, किस क्लाइंट का है, उसका आइटम का नाम क्या है, राइट गाइस। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को रिट्रीव होके आ गई है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ में हम इसका आगे बनाएंगे जॉब ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है। जस्ट क्लिक ऑन दी जनरेट पीडीएफ, मैंने जनरेट पीडीएफ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ऑर्डर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा और इसका ऑटोमेटिकली एक पीडीएफ जनरेट करने लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डन हो गया है, दैट द जॉब ऑर्डर फॉर दिस सीरियल नंबर दिस एंड जॉब ऑर्डर जो नाम है या नंबर है वो बेसिकली आप कह सकते हैं स्विस ग्रेनर का है, पार्टी का नाम या आर्टिकल का नाम आ गया यहाँ पे। मैं ओके करूँगा। अब हम चलते हैं इसमें पीडीएफ रिकॉर्ड्स में, तो आप देख पाएंगे जस्ट अभी ये एक ऑर्डर नंबर जनरेट हुआ है जिसमें पार्टी का नाम आ रहा है, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, बेसिकली इसका डिज़ाइनर कौन रहेगा, कितने बॉक्सेस बनाने हैं और डिस्पैच की डेट क्या है, इस तरह एक लाइन आइटम जनरेट हो जाता है। अभी मैं आइटम नेम पे या पीडीएफ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह का ऑटोमेटिकली पीडीएफ जनरेट हो जाता है फॉर दी प्रोडक्शन पर्पज़। तो इसमें आप देखेंगे प्रोडक्ट का जॉब कार्ड जनरेट हो गया है जिसमें सभी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, आर्टिकल क्या है, उसकी डिस्पैच डेट क्या है, पीओ क्वांटिटी कितनी है, पीओ नंबर क्या है, कस्टमर का नाम क्या है और उसका आर्टिकल क्या है, कितने अप्स रहेंगे, कौन सी शीट लगेगी, क्या शीट कटेगी, सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। एंड जो रेस्ट इन्फॉर्मेशन है लाइक प्रिंटिंग सेक्शन मशीन बाय या टाइप कोडिंग मशीन की, ये इन्फॉर्मेशन जो ऑपरेटर है वो सेल्फ एंटर करेगा यहाँ पे। इस पीडीएफ को आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, तो जैसा आप देख पा रहे हैं सिमिलरली ऐसा ही इसका पीडीएफ प्रिंट भी होगा। एंड साथ के साथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड जनरेट हो जाता है कि कौन सा जॉब ऑर्डर नंबर किस क्लाइंट के लिए किस आइटम के रेफरेंस में हमने कब जनरेट किया था। सो गाइज आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट, यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।